लालू जी और इस आंदोलन को जो आप लोगों ने मजबूत करने का जो आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि बिहार और देश में स्थिति बेरोजगारी की क्या है, और आज हम लोगों को लग रहा है कि जब तक इस देश और बिहार से हम लोग बेरोजगारी नहीं हटाएंगे और आरक्षण जब तक नहीं बढ़ाएंगे, तब तक चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, चाहे कोई वर्ग का लोग हो, चाहे कोई धर्म का लोग हो, चाहे कितने भी पढ़ाई हो जाए, कितनी हो जाए, आप लोगों को जो रास्ता, जो हक और अधिकार भी मिलना चाहिए था, अगर सही मायने में आप लोगों की बेरोजगारी नहीं मिटेगी, आरक्षण नहीं बढ़ेगा, तो सारा काम ठप हो जाएगा और गरीबी को भी निकाल रहेगी। आज आप देखिएगा बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र हो गया है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे चिकित्सा के लिए, चाहे रोजगार के लिए, आप बिहार के लोगों को कहीं भी किसी भी राज्य में, विदेश में आप लोग ढूंढ लीजिएगा, वहां बिहारी हमेशा मिलेंगे। कोई अपने काम के लिए 15 साल हो गया हमारे चाचा को राज करते हुए, लेकिन बेरोजगारी को दूर नहीं किए, लोगों को रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं, लाखों पद ऐसे जो है रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं, शिक्षा पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी ने चौपट कर दिया अपने बिहार का। आप लोग सनी लियोन को जानते हैं? आपको पता है कि नहीं, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में अव्वल नंबर आया सनी लियोन भाई, कैसे आखिर इतना नीतीश जी को क्या लगाव है जो बिना परीक्षा दिए सनी लियोन को किया है, नंबर 1 है। हाँ, मजाक हो गया बिहार। नीतीश कुमार जी एक तरफ आप सनी लियोन को पास करा तो एक नंबर से, और दूसरे तरफ सीबीआई में आपकी जांच का आदेश होता है, लगातार आरोप हो रहे हैं आप पे, मुजफ्फरपुर पालिका गृह में आरोपी लोग के होने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हाथ है, जो तरंदगी की गई 5-5 साल की बच्चियों के साथ, 14-14 साल की बच्चियों के साथ। नीतीश कुमार जी आपने उन बलात्कारियों को, वो तोंद वाले अंकल, वो मूछ वाले अंकल, वो मंत्रियों को आपने बचाने का काम किया है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, 7 बच्चियां गायब हो गई बालिका ही में, और एक बच्ची ऐसी गायब हुई है जिसने गवाही देने का काम किया था। आप बताइए नीतीश कुमार जी, एक मिनट आप, आपको अभी भी मौका है।
महीने में आप खुद सीबीआई को बोलो के उनका जांच करें और बिहार के मुख्यमंत्री को साथ इस्तीफा देने का काम करें। इस्तीफा बिना इस्तीफा के हम लोग नहीं मानेंगे। ये लगातार एक नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। देखो देता हम तो चाहते हैं ब्रजेश ठाकुर जो बालिका गृह में जो आरोपी था नीतीश कुमार जी अगर आप ईमानदार है तो उसका कॉल रिकॉर्ड मोबाइल का सार्वजनिक कर दो, पता चल जाएगा ब्रजेश ठाकुर कौन कौन नंबर से किन किन मंत्रियों से किन किन अधिकारियों से आपसे क्या क्या बात किया करता था। नीतीश कुमार जी अगर आप ईमानदार और सच्चे हैं तो आप बताइए आपका ब्रजेश ठाकुर से क्या संबंध है, क्या वो आपका राजदार है कि नहीं है, आप उसके बेटे के जन्मदिन पर उसके घर गए थे कि नहीं गए थे, वो जनता दल में पदाधिकारी था कि नहीं था, उसने आपके मंच को संचालन करने का क्या किया नहीं था। आप अगर ईमानदार हो तो आप सही में आप आपके जनता के सामने जवाब देने का काम कीजिए। अगर जवाब नहीं दीजिएगा, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप रुपये भी मुकदमा कीजिए कि हम आपको प्रदान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा नैतिकता केवल और केवल लालू जी और तेजस्वी जी में जाता, बिना अपराध के बिना अपराध हम लोगों का पूरा परिवार पिता से लेकर के हम लोग जो है मुकदमा झेलने का काम कर रहे हैं, केस हो रहा है, मुकदमा हो रहा है। अब उस समय हमारे चाचा जी हमको कहते थे कि एक्सप्लेन कर दीजिए क्या मामला है, इस्तीफा दे दीजिए। बताइए जो 13 साल का लड़का जिसका मुंह से क्या घोटाला करे, अगर वही लड़का 13 साल में घोटाला अगर करता हो तो 13 साल का लड़का आगे चल के जवान हो जाए, बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाए, तीन तीन डिपार्टमेंट संभाले, तब तो वो लड़का हर वक्त का घोटाला करना चाहिए था। कुमार जी आप बताओ 18 महीने हम उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, एक भ्रष्टाचार का मेरा काम बता दीजिए। आपके पास महकमा है, सब कुछ है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अब हमको समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझना चाहिए कि जो कहा करते थे कि भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, सब मुक्त भारत बनाएंगे, ये सारी बातें नीतीश कुमार जी कहते थे। आखिर रात तो रात ऐसा क्या हो गया जो नीतीश कुमार जी ने पलटी मारने का काम किया। कारण ये तो है उनको सृजन घोटाले का डर था, उनको मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो कांड हुआ उसका डर था, इसलिए उनकी मजबूरी थी बीजेपी में जाने की ताकि सीबीआई की जांच ना हो उन पर। उनके कहने पे जांच अधिकारी का समर्थन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट फटकार के फटकार लगा रहा है और सीबीआई के जो डायरेक्टर रहे उस समय उसको जैसे स्कूल में बच्चा को सुबह से शाम तक क्लासरूम के कोने में बैठा दिया जाता है, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिकारी को बैठाने का काम किया क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार जी के कहने पर उस जांच अधिकारी को बदलने का काम किया ताकि वो केस को रफा दफा करा सके। हम इतना कहना चाहते हैं कि सच जो है कभी छुपता नहीं है, सबके सामने आएगा। लेकिन आज हमारे सामने ये जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में जिस प्रकार से विकास का काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ, आज लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन का सरकार नहीं है, एक इंजन अपराध में लगा है, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ। आप देखिएगा मोदी जी क्या वादा किए थे आप लोगों से 2014 में, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे।
लेकिन क्या मिला आपको? प्रमोशन मिला? कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने क्या सजा मिला? पकड़ा देखो, पकड़ा देखो। हम कहते हैं पकौड़ा बेचने के लिए भी हम लोग तैयार है। घर में बच्चा भूखे ना सोए, इसके लिए चाहे कितना भी मेरे पास दिखती हो, हम पकौड़ा भी बेचने के लिए तैयार है। ईमानदारी का दो रोटी से कमाए हुआ पैसा का